हफ्ते में 4 दिन अगर सुकून से रहने को मिले तो 3 दिन झगड़ा, 3 दिन अगर सुकून से रहने को मिले तो 4 दिन झगड़ा, ऐसे ही चल रहा था। तब मेरी शादीशुदा जिंदगी का 1 साल चल रहा था और तभी जिंदगी बिल्कुल नरक हो गई थी। क्यों? वो मेरे दो दोस्त थे, ऐसे दोस्त जिसके पास है उसको दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो रहा था वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मेरी बीवी रोज रोज झगड़ा करती है। क्यों झगड़ा करती है? क्योंकि मेरे जो वो दो दोस्त थे उनकी बीवियाँ और वो भी ऐसे ऐसे फोटोज, ऐसे ऐसे वीडियोज, ऐसे ऐसे पोस्ट करते हैं जो देखकर मेरी बीवी रोज रोज झगड़ा करती है। क्या बोलती है? उनकी तरह मैं क्यों उसको शॉपिंग करने के लिए नहीं लेके जाता, सिनेमा दिखाने के लिए नहीं लेके जाता, घूमने के लिए नहीं लेके जाता? अब बताइए, मैं तो सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करके इतना टाइम नहीं मिलता है कि बीवी को ऐसे हफ्ते में 1-2 दिन शॉपिंग के लिए लेके जाना है, सिनेमा देखने लेके जाना है, ये सब नहीं कर सकता। और तब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, तो क्या करूँ क्या करूँ सोच सोच कर एक दिन दोस्तों को बुलाया, दोस्तों को एक दिन चाय पीने के लिए बुलाया, अपने घर पे नहीं बाहर। चाय पीते पीते मैं उनको बोल रहा था, समझा रहा था कि देखो भाई, तुम लोग ऐसे वीडियो पोस्ट मत किया करो, फोटो पोस्ट मत किया करो, तुम लोग अपनी बीवियों के साथ ऐसा कर रहे हो ठीक है, अपनी फैमिली में सुकून के लिए शांति के लिए कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फोटो वीडियो पोस्ट करके मेरी बीवी को क्यों जला रहे हो? उन्होंने मुझे क्या बोला कि हम तो फोटो पोस्ट करेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, जिसकी बीवी है वो कंट्रोल उसको करना है, जिसकी बीवी उसी को कंट्रोल करना है, हम कुछ नहीं जानते, हम तो करेंगे। और तुम्हें अगर अपने घर की सुकून चाहिए तो तुम भी अपनी बीवी को लेकर जाओ घुमाने के लिए, लेकर जाओ सिनेमा दिखाने के लिए। मैंने कहा कि भाई अभी सुन ले, अगर नहीं सुना तूने मेरी बात तुम दोनों ने तो बाद में तुम दोनों के नसीब में तो कुछ बुरा ही होगा। वो दोनों हंसते हंसते चले गए, उन्होंने बोला ठीक है जो करना है तू कर ले। तो उसके बाद से 1 महीना भी नहीं लगा मेरे घर में सुकून लौटाने के लिए। मेरे घर में सुकून ही सुकून है, मेरी बीवी झगड़ा भी नहीं करती, लेकिन उन दोनों दोस्तों के घरों में बिल्कुल आग लगी हुई है। अब एक दिन वो दोनों मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे बोला भाई तू ये क्या कर रहा है, ऐसा मत किया कर, तेरी वजह से हमारे घरों में आग लगी हुई है, हमारी बीवियाँ हमसे बहुत झगड़ा करती है और बोलती है कि हम क्यों तेरे जैसा नहीं करते। मैंने भी बोल दिया कि जिसकी बीवी है उसको संभालना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरे अकाउंट से मैं पोस्ट करता हूँ, मेरे व्हाट्सएप से, मेरे फेसबुक से, मैं अपने अकाउंट में से पोस्ट करता हूँ, अपनी अपनी बीवियों को संभाल लो, पहले ही अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो दोनों ने बहुत गिड़गिड़ाया मेरे सामने, बहुत माफ़ी मांगी, उन्होंने बोला कि और कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें हम एक दूसरे को नुकसान हो रहा है, वो काम हम नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत बहुत बोलने के बाद मैंने कहा ठीक है आगे से जाकर सोचूंगा। क्या बताऊँ आपको, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उस दिन बीवी सोई हुई थी, मैंने क्या किया, एक कप चाय बनाकर लेकर बीवी को अपने हाथ से पिलाया और उसी का फोटो खींचकर पोस्ट कर दिया, लिखा कि मेरे हाथ के चाय के अलावा मेरी बीवी की नींद ही नहीं खुलती। जल गए बाकी सब। और फिर जब मेरा संडे आया तब सारा काम मैंने किया, घर के बर्तन धोया, कपड़े धोया, बीवी के कपड़े भी धोए और खाना बनाया, सारा काम, झाड़ू पोछा सब कुछ, और हर एक काम का फोटो नहीं तो वीडियो खींच कर पोस्ट कर दिया और लिखा कि मेरी जब छुट्टी होती है तब मेरी बीवी की एक्चुअली छुट्टी होती है, क्योंकि बीवी के सारे काम मैं करता हूँ। अब हाउस हस्बैंड बनना भी बहुत ही ज़रूरी है, बीवी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, ये सब लिख कर पोस्ट कर दिया। एक दिन तो बीवी के कपड़े धो रहा था, कपड़े धोते धोते एक वीडियो बनाया, उसको पोस्ट किया,
कैप्शन में लिखा कि बीवी के कपड़े धोने में अलग ही एक प्यार है, अलग ही एक फीलिंग्स है जो कि सबको नहीं आता। बीवी को खुश रखने के लिए सिर्फ सिनेमा दिखाना, घूमने के लिए लेके जाना, शॉपिंग करवाना ये जरूरी नहीं है। बीवी की तकलीफ को समझना चाहिए। ये सब लिखकर मैंने फोटो वीडियो ये सब पोस्ट किया और बाकी लोग जल गए। अभी देखो, संभालो अपनी अपनी बीवियों को। आप क्या कहते हैं, कैसा किया? दोस्तों, ये जो कहानी है ये मैंने एक बंगाली राइटर सरोजीत घोष के लेखे से ट्रांसलेट किया और आपके सामने लेकर आई। और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सरोजीत भाई का जो फेसबुक लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी फिर से एक नई कहानी या नई कविता के साथ। आज के लिए यहाँ तक ही। बाय बाय, टेक केयर।